हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे स्मॉल फिश के साथ। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्मॉल फिश लिया है, चॉप्ड ओनियन, चॉप्ड पोटैटो एंड मस्टर्ड, क्यूमिन पेस्ट, गार्लिक, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली स्लाइसेस। यहाँ पे हम अभी ये स्मॉल फिश को अच्छे से क्लीन करके रखा है, तो अभी इस पर टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे। अभी सॉल्ट ऐड करेंगे। ये है हमारा क्यूमिन एंड मस्टर्ड पेस्ट, बस इस पे मस्टर्ड एंड क्यूमिन है और कुछ नहीं है। तो ये 1 स्पून है। यहाँ पे कुछ ग्रीन चिली, चॉप पोटैटो ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चॉप करेंगे गार्लिक एंड चॉप कोरिएंडर लीव्स। अभी हम ऐड करेंगे कुछ मस्टर्ड ऑयल। अभी ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम ऐड करेंगे चॉप टमाटर। अभी एक पैन गरम करेंगे एंड ये मिक्सचर को हम उसी पे ऐड कर लेंगे। जस्ट थोड़ा सा हम वाटर ऐड करेंगे। अगेन 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे एंड अभी इसको ढक्कन लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अभी 15 मिनट के बाद इसके अंदर का कंडीशन देखते हैं। देखिए कितने अच्छे से पक भी गया है और थोड़ा जूसी जूसी है। अभी इसको और 5 मिनट के लिए पका लेंगे तो वो और थोड़ा अच्छे से पक जाएगा। देखिए ये यहाँ पे सारा हमारा अच्छे से पक गया है। यहाँ पे हमारा पूरा 20 मिनट्स कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए अभी इसका कंडीशन बहुत अच्छा दिख रहा है और थोड़ा इसको गार्निश कर लेंगे हम कोरिएंडर लीव्स के साथ एंड अभी इसको सर्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिश को ऐड कर मतलब चेक करते हैं कि कितने अच्छे से कुक हो गया है। बिल्कुल अच्छे से पक गया है।
नाउ रेडी आवर स्मॉल फिश बाटी मसा। Thank you for watching.